Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ठीक है ना। तो आज जो हमने आज कोई ऐसे नया टॉपिक हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि आपको करना जो है ना, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़े हुए थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक में वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें कि हम मैग्नेटिक मटेरियल और बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस वैसे चीज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपका एक टेस्ट भी है 2 अगस्त को, 2 को टेस्ट दोगे तो ये सारी चीजें अपने आप आपकी रिवाइज रहेगी, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। और मैम हम आते हैं एक बड़ा कुछ 2-3 कंसेप्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना होता है। देयर इज अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें आपकी होनी चाहिए। देयर इज अ फ्यू कंसेप्ट, है ना। तो जो पहला कंसेप्ट जो होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आप सॉल्व मत करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एज एग्जांपल 1, कि ये आपको कोई इंफिनिटी लॉन्ग अगर वायर है, यहाँ पे कोई इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, इट कैरी सम करंट आई, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो रही है, जैसे आपकी आई फ्लो रही, और इस आई करंट में हम यहाँ से क्या करते हैं, एक कोई क्यू चार्ज है, एम मास है, इस चार्ज पार्टिकल को किसी यू से कलेक्ट करते हैं, और ये जो इसके डिस्टेंस यहाँ से है वो x नॉट है। आपने क्या किया, एम मास था, यू स्पीड थी, चार्ज क्यू था, इसको आपने किसी यू से प्रोजेक्ट किया, तो आपको क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसे हो जाएगी, इसलिए आपकी इनटू द प्लेन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, है ना, चार्ज पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड क्या रहेगा आपका फोर्स, और ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से कर्व पाथ फॉलो करके ऐसे घूम, है ना, ये सर्किल नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, सर्कुलर पाथ ही होगा लेकिन रेडियस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो हम बोलेंगे इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से एक कर्व पाथ बना के ऐसे रिटर्न। तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इसकी ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, व्हाट इज द एक्स मिनिमम, है ना। एक्स मिनिमम को हम बोलते हैं कि What is the closest distance of approach? है ना, ये जो चीज होती है we call it as a closest distance of approach। भाई कितना ये क्लोज तक इसके जा सकता है, अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट करोगे तो ये टर्न होके ऐसे जाएगा और ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस की क्या होगी, है ना। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक पर्टिकुलर मेथड होता है ना, आप मत ट्राई करो, आई विल एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड हम अप्लाई करते हैं, हमेशा मान लेते हैं किसी स्टैंड में कि किसी टाइम पे ये यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ गया, है ना, और जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसकी डिस्टेंस कोई एक्स है, और अगर एक्स है तो इसकी स्पीड तो चेंज होती नहीं है, यू तो यू ही रहेगा, हाँ इसके कंपोनेंट्स जरूर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ हो गया वी वाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया आपका वी एक्स, आपने वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vxn क्या ले लिया, जैसे आपका भाई वर्टिकल कंपोनेंट vy आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, जैसे आपका vx था। जस्ट मैं यहां पे लिख दूंगा कि इस स्टैंड में जब ये यहां पे पहुंचेगा, है ना, तो इस स्टैंड में इसकी वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आ जाएगा vxi कैप + vyj कैप, हाँ, कि वेलोसिटी की जो कंपोनेंट्स होंगे उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे vx i cap एंड vy j cap, और मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है, हाँ भाई हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उस स्टैंड में जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, है ना, इंटू माइनस के का, आपने बोला वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज क्यू का, तो उस स्टैंड में आप फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं, ये तरीका होता है कि फोर्स वेक्टर हो जाएगा जैसे कि आपका क्यू बी क्रॉस बी, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही आ जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई टू बाई एक्स बाहर आ गया, है ना, और आप यहाँ देखो व्हाट इज द आई क्रॉस के, आप आई जे के यहाँ पे बना लो, आई जे के आपका आ गया, तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो चूंकि माइनस साइन था यहाँ पे सिंपल सा जे कैप आ, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, इसलिए आपका जे कैप आ, और व्हाट इज द जे क्रॉस के, आई कैप हो,
तो यहाँ पे माइनस है क्या, है ना, क्लियर आपका आ गया कि भाई फोर्स फैक्टर में के भी दो कंपोनेंट है, प्लेन में कहीं पे होगा तो उसके भी दो कंपोनेंट है एक्स एंड बेसिकली आपका वाई, है ना। सिंपल सा हम बोलेंगे कि क्यू इंटू वी क्रॉस भी आपने ले लिया और v की वैल्यू आपने यहाँ से पुट की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो फोर्स फैक्टर। अब देखो फोर्स के भी दो कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चंस कि भाई कितना इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा, उसमें यहाँ तक का प्रोसेस सब क्वेश्चन में सेम रहेगा कि भाई किस इंस्टेंट में आप इसको यहाँ मान लो वेलोसिटी वेक्टर को i कैप j कैप पे क्रॉस करो और क्रॉस प्रोडक्ट लेके फोर्स वेक्टर निकालो, और फोर्स वेक्टर के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अब यहाँ से किसी भी एक कंपोनेंट को आप चूज करो, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स का y कंपोनेंट दिया, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, है ना, ये तो मैंने v क्रॉस b ले लिया था, v भी आएगा ना यहाँ, है ना, वेलोसिटी, अच्छा सॉरी यहाँ पे vx भी आएगा, है ना। यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा vx j कैप माइनस आपका vy i कैप आ जाएगा, है ना। तो फोर्स का जो y कंपोनेंट होगा j के साथ आएगा, तो ये आपका हो जाएगा मे नॉट i बाई टू पाई x इंटू vx, क्या फोर्स का ये क्या हो जाएगा ये आपका वाई कंपोनेंट, है ना। अगर ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है तो यहाँ से एक्सटेंशन का वाई कंपोनेंट आ जाएगा, मास से डिवाइड कर दो, यहाँ से मे नॉट आई बाई टू फाई एक्स, है ना, इंटू एम आ गया इंटू वी एक्स आ गया। और थोड़ा सा ध्यान दो, वॉट इज ए वाई एंड वॉट इज वी एक्स, ए वाई इज द वर्टिकल एक्सटेंशन और वी एक्स जो है ओरिजिनल वेलोसिटी, तो जो आपका ए वाई है इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी वी वाई बाई डी टी, कर सकता है ऐसा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी तो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद ये सारी चीजें आप कांस्टेंट ले लो, मे नॉट आई बाई टू पाई एम एक्स और बी एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे डी एक्स बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स तो बी एक्स होता है, तो यहाँ से डी टी डी टी आपके कैंसिल हो गए, जस्ट आपने वी ले लिया किस इंस्टेंट पे, मैग्नेटिक फील्ड ये है, आपने यहाँ से फोर्स फैक्टर निकाल, तो यहाँ से एफ वाई आ गया, एफ वाई से ए वाई निकाल लिया, ए वाई को आपने इस फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन जो अल्टीमेटली आप यहाँ पे ये लिख लो कि जो आपका डी वी वाई होगा इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी मे नॉट आई बाई टू पाई एम इंटू डी एक्स बाई एक्स, अब किसको इंटीग्रेट करके आपका क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगा। आपका ध्यान दो, जब इस एक्स की वैल्यू एक्स नॉट थी उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, क्योंकि वर्टिकल मूव कर रहा था, क्योंकि आपको तो वर्टिकल वेलोसिटी करना है, और जब ये x की वैल्यू x मिनिमम हो जाएगी जो आपको निकालना है, तो अल्टीमेटली ये इस तरह से जब मिनिमम में होगा तो पूरा का पूरा वर्टिकली तो मूव कर रहा होगा, भाई मिनिमम में x तो और b क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और स्पीड तो चेंज होती नहीं है, तो जितनी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी स्पीड यहाँ पे होगी। जब x की वैल्यू x नॉट थी तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, जब x मिनिमम होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी माइनस ही होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे साइन ले लिया, यहाँ पे आपने नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को साइन लिया था, तो वहाँ लिमिट जब स्टार्टिंग में आप नहीं ले रहे हो तो आप लिमिट में क्या पुट कर दोगे, बेसिकली आपका साइन, है ना, क्योंकि डाउनवर्ड, इसलिए मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे माइनस। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो माइनस यू ही आ जाएगा, यहाँ से मे नॉट आई बाई टू पाई एम वैसे ही, और ये जो टर्म आएगा ये आपका एल एन आ जाएगा, एल एन ऑफ एक्स मिनिमम बाई एक्स नॉट आएगा, ये पूरा टर्म किसमें आ जाएगा, सके आपका लॉग के टर्म्स में आ जाएगा, dx पे x का log x होगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप ध्यान दो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ गया, आप यहाँ से ले सकते हो कि जो ln x मिनिमम बाई x नॉट है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टू एम पाई एम यू बाई आपका मी नॉट आएगा, तो आपको पता है लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, है ना, ये तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि जो x मिनिमम की अल्टीमेटली इसका आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा x नॉट e टू द पावर ये पूरा पावर था माइनस टू पाई एम यू बाई मी नॉट इन टू आई, ये आपका अल्टीमेटली आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब भी किसी वायर के थ्रू तरफ आप कोई चार्ज थ्रो करोगे तो चार्ज इस क्षेत्र में कर्व पाथ में मूव करेगा, तो इसका ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है, तो उसको निकालने के लिए एक सेट प्रोसीजर हम यूज करते हैं, है ना, मतलब ये अपने आप आप सोच नहीं पाओगे, कई स्टूडेंट सोच लेते हैं लेकिन अपने आप सोच नहीं पाओगे। अपने बी मान लिया, फोर्स निकाला, फोर्स का हम एक्स कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन मैंने वाई चूज किया, एफ वाई से ए वाई आ गया मास से डिवाइड करके,
वाई को आपने ये पुट किया, वी एक्स को डीएक्स बाई डीटी पुट किया, और उसके बाद लास्ट में आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट। तो ये आपका आ जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ कि भाई मिनिमम इतना डिस्टेंस तक मूव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सीधे आपका टर्न। ये जो टर्म होता है वी कॉल्ड एज ए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ कि हम इस तरह से सॉल्व। तो एक क्वेश्चन ये था जो कि आपको सीखना था। वैसे तीन चार क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। पांच छह क्वेश्चंस हैं, वैसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डिस्कस। हाँ सही बता रहे हो आप, इसमें आंसर काफी लोग सही बता रहे हैं। वरिषा योर आंसर इज करेक्ट, मोहम्मद हसन योर आंसर इज करेक्ट, दिव्यांश आपने क्वेश्चन ही पूछा था आज मेरे ख्याल से, आपने या किसी ने पूछा था डाउट में, तो इसलिए मैंने बोला था मैं क्लास लेता हूँ इसे। सही सही बोल रहे हो आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे आपको, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये टिपिकल सा क्वेश्चन होता है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस होते हैं, ये एज इज आपके एग्जाम में रहता है। तो इसमें ऐसा जस्ट बोला गया है कि इस तरह से आपके कोई कॉयल्स है ना, इस तरह से हमने क्या किया कि आपकी कोई कॉयलिंग की है ना, टाइटली वाइंडेड कॉयल्स है, दिस इज ए टाइटली वाइंडेड कॉयल्स, इसमें एक एंड पे आपकी करंट जा रही है ना, और दूसरे एंड से करंट क्या होगी, एग्जिट। इसमें ये रेडियस आपको दी हुई है और ये रेडियस आपको दी हुई है बी। तो इसमें बोला सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अगर यहाँ पे करंट आई है, करंट आई है और एंड इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इस तरह से अगर कॉइल होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है मी नॉट आई बाई टू आर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें आर तो वेरिएबल है, तो आप सीधे नहीं कर पाओगे ना, जैसे आर वेरिएबल हो गया तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आर क्या है इसमें बेसिकली आपका वेरिएबल है। तो अगर आर वेरिएबल है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपका इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूंगा इंटीग्रेट करने के लिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लूंगा, जैसे कि आपका एक कोई एलिमेंट यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है, x पे dx विड्थ का एलिमेंट यूज किया मैं, ऐसे लेते हैं। पहले मैं कहूंगा इस एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना उसको अगर मैं लिखता हूँ dv, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू एक्स। ये प्रॉब्लम है, म्यू नॉट आई बाई टू एक्स वो सही है, एक्स रेडियस हो गया,
लेकिन आपको क्या पता उस लिमिट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। तो ऐसा मान लेता हूँ कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डीएन है ना, डीएन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट एलिमेंट है। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो उस टर्न जो एलिमेंट किया उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने डीएन, डीएन से मल्टीप्लाई होंगे। अब हम ये डीएन कैसे निकालेंगे, तो डीएन के लिए थोड़ा सा हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। आप थोड़ा ध्यान दो, कितने विड्थ में ए से लेके बी में ये जो विड्थ है ये b माइनस सी हो जाएगा, इतने लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है। हम यहाँ पे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड यूज करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लेंथ ले लूं b माइनस सी तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, n बाई b माइनस। तो आपको पता है dx लेंथ में तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाला है भाई, b माइनस a विड्थ में नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, यूनिट में इतने होंगे तो dx में कितने होंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो dn की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी n by b minus a into d, है ना। और यही जो चीज होगी ये dn हो जाएगी, इस dn को आप यहाँ पुट कर तो आपका db आ जाएगा। अब एकदम सिंपल फॉर्म में आ गए, db की वैल्यू आ गई may not i, है ना, n बाहर आ गया by 2 आ गया है ना, into b minus into dx by x है ना, जो कांस्टेंट टर्म्स थे उसको मैंने अलग कर दिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट है ना। तो डीएन की वैल्यू को हम यहाँ पर कर दें तो ये स्टेप में इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टूडेंट कई बार सोच नहीं पाते है ना, यही सोचना इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएन हम निकालें कैसे, कि उस फिट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो इतने में इतने हैं, यूनिट में इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, निकालो। आपको पता है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो मे नॉट आई एन बाई आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डी माइनस into dx by x का integration, x की लिमिट हो जाएगी from a to b, log x होगा, लिमिट पुट करेंगे तो log b by a हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ही है, v not i n by twice of b minus, है ना, into ln of क्या हो जाएगा सर जी आपका b by a, this is the alternative, इसके सेंटर में जो magnetic field होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका ऑप्शन बी इसमें से, ऑप्शन बी वाज द करेक्ट। तो ये भी एक क्रूशियल क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी लोगों ने जो आंसर दिया था वो सही दिया था है ना, कि मोस्टली जो आंसर आपने दिया था दैट आंसर वाज करेक्ट है ना, कि आंसर जो थे वो आपके सही थे, सी सी ऑप्शन सही, सॉरी ऑप्शन वाज द सी इज द करेक्ट है ना, जो सी ऑप्शन है वो सही, ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये हमने कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पे आते हैं, हाँ इस पे हम आते हैं, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सही,
नाम मेरे ख्याल से ए ऑप्शन सही नहीं है, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, पर ट्राई करोगे आ जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करो जरूर आएगा। हाँ वंशिका सही आपका आंसर, वंशिका त्यागी और आंसर इज करेक्ट। और भी कुछ आंसर आए मेरे पास, वरिषा सही आपका आंसर, वरिषा आंसर इज करेक्ट। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, सी ऑप्शन बता रहे हैं वो मोस्टली स्टूडेंट सही है, तो लेट मी इसका शॉर्टकट बता दूंगा, पहले मेन मेथड डिस्कस करते हैं। देखो ये हर क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था, रोटेशन में भी आया था, कि टेंशन हम कैसे निकालें। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इसको इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसके ऊपर एक एक्सपेंडिंग फोर्स लगेगा हर तरह से, तभी तो सर्कल शेप में आगे एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड करना चाहेगा इसको, तो जब एक्सपेंड करना चाहेगा तो इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी, वही टेंशन तो पूछा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे टेंशन निकालते हैं घर का, इसका हम एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, हां यूजली इस तरह से बेसिक मेथड ये होता है कि आपने डी थीटा एंगल का आपने क्या चूज कर लिया है, एक एलिमेंट, और इसमें कोई करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, और अगर आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आपको है टेंशन आप इस डायरेक्शन में लो, यहाँ से एक्सपेंडिंग फोर्स आप हटाओ और टेंशन आप ऐसे ले लोगे कि भाई ये टेंशन तो मुझे निकालना है, तो आपको पता है ये दोनों एंगल अगर डी थीटा है, ये वाला एंगल भी डी थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा डी थीटा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा टी कॉस डी थीटा और ये आपका हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना। आपको पता है एक मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ डीएफ लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ डीएल लग जाएगा, डीएफ लग जाएगा और वो बीआईएल हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड आई करंट लेंथ ऑफ द आर्क डी एफ, हां डी एफ मैग्नेटिक फोर्स रहेगा बाहर, इसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा ना, तो टी के कंपोनेंट इसको बैलेंस, यहां पे लग जाएगा 2t sin dt, हम बोलेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है ये एलिमेंट है ना, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे, मतलब बी आई इंटू डी एल को क्या चीज बैलेंस करेगा, 2t sin इंटू dt, ये बेसिक मेथड किस तरह से हमने डाला।
है ना, ये आपका गया। तो हम बोलेंगे बी आई इंटू डीएल को 50 सेंटीमीटर क्या करेगा सर, ये आपका बैलेंस। अब इसमें डीएल की वैल्यू आप पुट कर दो, डीएल की वैल्यू आपकी लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस इंटू एंगल तो होगी, अगर आर इसकी रेडियस है तो आर इंटू टू डी थीटा होगी, और 2t sin d थीटा को भी d थीटा लिख सकते हैं, है ना, sin d थीटा स्मॉल एंगल तो d थीटा के इक्वल हो जाएगा, यहां से बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 और d थीटा कैंसिल, तो आपका टेंशन की जो वैल्यू आ गई ना वो bi आ रहा है, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई है आपकी bi r, हां ये टेंशन होगा bi r अमाउंट, एक प्रॉब्लम है कि टेंशन आप सोचते हो bi r लेकिन आपको r तो नहीं दिया होगा ना, r की जगह पे आपको लेंथ दिया होगा, तो मतलब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपने लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर की जो वैल्यू होगी 12 बाई 2 पाई होगी, तो आर की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये आपको हो जाएगा बी आई एल बाई 2, हाँ बी आई एल बाई क्या हो जाएगा सर, ये आपका 2 पाई, हाँ तो ये आपका जाएगा, एक्चुअली मैम उसको सीधे भी निकाल सकते थे, टोटल फोर्स बाई टोटल एंगल, बी आई एल टोटल फोर्स कितना है, मैं पूरे एल लेंथ का टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा, इसको आप टोटल एंगल से सीधे डिवाइड कर दो, तो इससे सीधे भी आ सकता है, टोटल फोर्स बाय टोटल एंगल किसका फॉर्मूला होगा, भाई एल पूरी लेंथ है तो टोटल फोर्स से भी एल लगेगी और टोटल एंगल कितना है सर्कल के ऊपर, तो इससे सीधे भी आ जाता है, ये फॉर्मूला हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका आंसर बी एल बाई क्या आ जाएगा आपका 2 पाई, लेकिन बेसिक मेथड भी जानना चाहिए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसमें डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो है वो इसी लेवल का है जिसको कि आपको जानना होता है, एंड आज डाउट्स में किसी ने पूछा भी था तो मैंने भी उसको क्लास में शिफ्ट कर दिया, है ना, वो मैं आपको हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। As example, वो 2a गलती से कैविटी के अंदर दिया हुआ है ना, 2a वो का कोई मतलब नहीं, वैसे इतने स्प्रिंट है, p पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना है, और ये लॉन्ग वायर है, ये कैब से लिए आपका एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल, हाँ लेट मी चेक, लेट मी चेक कर लेते हैं,
ठीक है सर, विवान सर का आंसर इसका हाँ वर्षा ज्यादा है, थोड़ा सा थोड़ा कम करो इसको। अरे प्रावी आपकी फोटो है वो यस सर। फोटो, अच्छा मुझे लगा कौन बैठा हुआ है लड़के में, सही अच्छी फोटो है। हाँ कन्नन की भी फोटो अच्छी है, कन्नन तो एकदम पहले भी आती थे ना पूरा मैचिंग करके, नहीं नंबर सभी अच्छी है। मैं तो इसके नाम लिखता चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने हालांकि आंसर ठीक दिया है, एक आंसर सही है ना, ये चार क्वेश्चन मुझे आपको बताने, इसके बाद जो आप क्वेश्चन पूछे सॉल्व करो, नहीं चार क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, एक और आंसर कोई आ गया है, लेट मी चेक। हाँ निमिषा बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, निमिषा आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया है ना, ए एंड टू ए है, करंट डेंसिटी जे है, तो जे के टर्म्स में बता रहा, जे के टर्म्स में बाद में कर लेंगे, हाँ ये रेडियस ए बाई टू है और ये ए। आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा ऐसे मुश्किल नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो पहले मान लो कि यहाँ पे कोई कैविटी नहीं, और आपको पता है किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आउटसाइड में वो मे नॉट आई बाई टू पाई आर, ये तो होता है ना, कि अगर आई इसमें करंट है तो मे नॉट आई बाई क्या होता है, जैसे आपका टू पाई आर होता है, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ कोई कैविटी नहीं है ना, तो अगर कैविटी नहीं है तो पी पॉइंट पे सेंटर से ए डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम निकाल सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बी वन इक्वल टू हो जाएगी म्यू नॉट इनटू आई वन, आई वन इसकी टोटल करंट होगी, अगर यहाँ पे कैविटी नहीं होती तो करंट कितनी होती है आई वन बाई टू पाई आर, टू पाई की जगह पे टू आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा, इसके सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी हो सकती है आपकी ए, है ना, यहाँ से ए डिस्टेंस सर्फेस पे तो निकालना है, सरफेस में स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल आर, है ना, ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल आर के सरफेस अपने लिए पी वन पूरे की वजह से, है ना, और इसके बाद फिर हम सिर्फ कैविटी की वजह से निकाल लेते हैं, कि मैं ऐसा मान लेते हैं अगर कैविटी में करंट होती तो उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे देता हूँ, तो कैविटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी टू ये आपको आ जाएगा मे नॉट इन टू आई टू, आई टू इज द करंट इन द कैविटी बाई टू पाई, ये भी तो आउटसाइड है ना, तो सेंटर से आप इसके डिस्टेंस देख लो कितनी होगी पी पॉइंट, तो सेंटर से इसके डिस्टेंस जो होगी वो थ्री ए बाई टू हो जाएगी, अब पूरे की वजह से बी वन है कैविटी की वजह से बी टू है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे दोनों का माइनस कर देंगे, तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से बी वन माइनस बी टू आप निकाल, यहाँ से म्यू नॉट बाई टू पाई ए तो बाहर है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए क्या आ गया जैसे आपका बाहर है ना, तो यहाँ पे आपका बच गया I1 माइनस यहाँ पे आपका आ गया I2 टू I2 by 3 है ना, टू I2 by क्या बच गया इसकी अंतर दिया गया, इसके बाद I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो, I1 को हम J से निकाल सकते हैं J इनटू पूरे का एरिया J इनटू पाई स्क्वायर, और I2 जो होगा वो कैविटी का है तो J इनटू पाई इनटू A by 2 बच, यहाँ से I1 I2 की वैल्यू आ गया,
इसमें तो आउटसाइड का था ना, अंदर वाला होता तो फर्क पड़ता भाई। इसके लिए भी वो पॉइंट आउटसाइड है और पूरे के लिए भी जस्ट सरफेस। अगर यहाँ पे कहीं पे निकालना होता फिर इनसाइड वाला फॉर्मूला भी यूज करना, ये मैंने आपको बताया था। मैं सिलेंड्रिकल वायर के अंदर में मैग्नेटिक वैल्यू देती हूँ, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो एन की जगह पे टर्म आएगा वो फाइव आएगा। आंसर कितना हो जाएगा उसके लिए आपको इसका फाइव हो जाएगा। ये आंसर से आंसर जो होगा वो फाइव हो जाएगा, दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो फाइव आंसर काफी लोगों ने सही भेजा था, है ना। देखो एम्पीरियल सर्किटल लॉ से हम हर चीज को निकाल नहीं सकते ना, जैसे गॉस लॉ से एम्पीरियल लॉ तभी वैलिड होता है जब कुछ सिमेट्रिकल केस। इस केस में हम एम्पीयर्स लॉ वैलिड तो होगा लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इधर कैविटी और इधर चार्ज, इधर करंट, उसको हम एम्पीयर्स लॉ से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये जो फॉर्मूला जानते हैं ये एम्पीयर्स लॉ से तो जानते हैं कि भाई अंदर में कितना होगा बाहर में कितना होगा, उसको यूज कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली एम्पीयर्स लॉ यूज कर रहे हैं, एम्पीयर्स लॉ को स्टेट अवे आप नहीं यूज कर। जैसे गॉस लॉ की एक लिमिटेशन है कि सिमेट्री में ही हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैसे एम्पीयर्स लॉ की भी लिमिटेशन है कि सिमेट्रिकल केस में उसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर एक पूरी कैविटी होती है और कहीं पे निकालने को बोला होता है, इस केस में उसको यूज नहीं करते। तो याद है इसमें तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ मतलब नो एम्पीरियल लूप कैन बी टेकन, तो कैसे कोई एम्पीरियल लूप हम ले ही नहीं पाएंगे, तो एम्पीयर्स लॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, है ना। नहीं नहीं ये तो क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन का तो पाई आर स्क्वायर वाला ही यूज करोगे ना, ये तो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का तो पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला होगा ना। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या चीज है। हाँ सिलेंड्रिकल कैविटी, सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होगा ना, तो जे से हम उसके कोई मान लेते हैं सिलेंडर का डायमीटर 2a है तो रेडियस ए हो जाएगी और वो ए बाई टू हो जाएगी, उसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही है। चलो अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ कौन से क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, ये तो मुझे बताने थे, तो जो छूट गए हैं वन बाय वन मैं क्वेश्चन देते जाता हूँ, फटाफट उसको ट्राई करके आप आंसर बता दें। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे करंट काम कर दिया, हाँ सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं क्वेश्चन एक, ये सही क्वेश्चन है, इसको जरा ट्राई करो। ये ठीक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फाइव, चलो मैं चेक करता हूँ बेटा दिव्यांश, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, तो जो आपने
हाँ दोनों कैंसर सही है, सही मारा है ना, तो मैं चेक कर सकता हूँ इस कैंसर, दोनों का आंसर सही है, सेम होगा आपका। दो आंसर आए हैं वो सही हैं, दोनों आंसर एक ही है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, दो आंसर मेरे पास आए, लेट मी चेक वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसा मैं सेंस कर रहा हूँ यही है, डिवाइस इस कहलाऊंगा, वे स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टिकल को मैग्नीफाई इनटू द प्लेन, वो इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा ना वी क्रॉस बी से वो लेफ्ट फोल्ड है ना, और चूंकि वी बी के परपेंडिकुलर है इसलिए इसका मोशन सर्कुलर हो जाएगा, जब सर्कुलर मोशन होगा ऐसे तो इस तरह का सर्कुलर मोशन होता है, यस इस तरह से सर्कुलेशन को कॉल करता है। तो इसका मतलब जब ये मैक्सिमम वाई पे पहुंचेगा, मतलब यहां पहुंचेगा मैक्सिमम वाई पे, ऑलमोस्ट इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल होगी वी, है ना, कि जो स्पीड वी थी वो वर्टिकल से लेफ्ट फोर्ड हो जाएगी माइनस आई एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ डिफ्रैक्ट करता है ना, स्पीड को तो चेंज करते ही नहीं, और मास एम। अब ये कोलाइड करता है एक आइडेंटिकल पार्टिकल से, है ना, ये आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब उसमें चार्ज भी होगा फिर, है ना, कि भाई इसमें जो आइडेंटिकल पार्टिकल से क्या करता है कोलाइड करता है, आइडेंटिकल पार्टिकल का नेचर आपको बताया हुआ है क्या, कि उसमें चार्ज है या नहीं है, वेदर नेचर इज गिवन, है ना, वो आइडेंटिकल पार्टिकल में चार्ज है या नहीं है इसके बारे में कुछ कमेंट है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो लेट मी चेक, आइडेंटिकल पार्टिकल जो बताया हुआ है उसमें चार्ज है या नहीं है, है ना, चार्ज मास एम एंटर द रीजन कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट, अच्छा है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट, नहीं चार्ज तो मूव कर जाएगा क्योंकि इसका चार्ज तो है ही ना, एक चार्ज तो है ही ना, चलो आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब मैं चार्ज ले लेता हूँ, वैसे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज ले लेते हैं, है ना, भाई इसमें तो चार्ज है ना, भाई आइडेंटिकल पार्टिकल जो था उसमें एम मास और क्यू चार्ज, अब क्या होगा कि कोलिजन के पहले इसमें मोमेंटम कंजर्व करोगे आप, जैसे दोनों स्टिक करेंगे ना अब इसकी स्पीड वी से वी डैश होगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था एम इंटू वी और अब आपका हो जाएगा टू एम इंटू वी, तो जो वेलोसिटी होगी वो वी बाई टू हो जाएगी, पहले की भी थी तो आप ना, और जो चार्ज होगा अगर इसमें भी चार्ज है वो चार्ज टूटी हो जाएगा, मास सिस्टम का कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे,
पहले मोमेंटम एम भी था, वेलोसिटी चेंज आएगी वी बाय टू, कंप्लीटली इलास्टिक वेल से मतलब पूरे स्टिक कर दो। और अब जो रेडियस होगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका एम बी बाई क्यू, ये तो फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है मास तो हो गया 2m, है ना, वेलोसिटी आपकी हो गई v बाई टू, है ना, चूंकि चार्ज भी आपने ले लिया तो 2q हो गया, है ना, तो अल्टीमेटली आपका ये 2 को कैंसिल ही हुआ, तो एम बी बाई 2qb से कैंसिल जो हो जाएगा, कंबाइंड पार्टिकल का रेडियस जो होगा एम बी बाई 2qb, अगर आइडेंटिकल है चार्ज भी है, है ना, अगर चार्ज नहीं होगा तो यहाँ पे क्यू ही एम यूज, टू क्यू यूज नहीं कर, उससे कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसमें 111 करके मैं देता हूँ, इसको आप ट्राई करो थोड़ा सा। एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या छूटा हुआ है। वी कैन गो फॉर आपके TWT में इतना कुछ मुश्किल नहीं आएगा, मैं तो भाई पूरा एक बार में तैयारी आपकी करवा दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं सारे चीज बता देता हूँ आपको, है ना, TWT तो आसान ही पेपर। एक बार मैकेनिज्म अगर कंप्लीट करें तो कंप्लीट कर, ऐसा ही कि अभी पढ़ लेंगे फिर बाद में, नॉर्मल तो होता नहीं आपको, बाद में कुछ थोड़ी होता है, जो होना होता है उसी टाइम हो जाता है। ना डायरेक्शन सही नहीं चूज कर रहे हो, डायरेक्शन ठीक से ऋतिक आपका आंसर सही, बच्चे जो है पढ़ते हैं ना उनको बता देते हैं लोग, अगले साल आप टूट भी पढ़ लोगे, अगले साल आप पी भी पढ़ लोगे, अगले साल एस एच एम भी सारा पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कभी कभी पढ़ते हैं क्या, रेयर चांस होते हैं, जिस टाइम जो पढ़ रहे हो पूरा पढ़ लें। आंसर तो सही नहीं, पता नहीं, मैं चेक करता हूँ, मेरे को भी कंफर्म नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर, आंसर देख के मैं वेरीफाई करता हूँ। थोड़ा मेरे पास क्वेश्चन है, एक बार इसको वरिष्ठ आपका आंसर सही, ऋतिक आपके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको ठीक से लिखो, वरिष्ठ और आंसर इज करेक्ट, कहीं तीन तरह के ऑप्शंस आ गए ना इसलिए मैं देखने लगा,
हाँ साइक्लोट्रॉन आ जाएगा, मतलब आज तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा कुछ आ सकता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आ सकता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनफेक्ट आते ही साइक्लोट्रॉन भी आ सकता है। सब कुछ आ जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोड़ के, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मतलब जो है। हाँ दिव्यांश सब आपका आंसर सही है, एहसान मिन्हास आपका आंसर सही। एहसान मिन्हास आपका आंसर सही, सही ठीक बता रहे हैं, ए ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है और भी कोई आंसर बताया किसी ने? ए हाँ निमिषा ए आंसर सही, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही बता। सो कुछ नहीं देखो इसने बोला है कि एक वायर था इसमें इनटू द प्लेन करंट जा रही थी, लॉन्ग वायर था, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एंड वाई तो मैग्नेटिक फील्ड आई कैप जे कैप पर उस पे क्या, वैसे तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर ये डिस्टेंस को यार है ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। अगर ये करंट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये होगी। तो जब हम बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड लिखना आप ये कोई एंगल ले लो ठीक है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है ये आपका वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो, तो बी के दो कंपोनेंट ये आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर फॉर्म में होगा है ना उसमें बी तो कॉमन आ जाएगा, इसको तो आप ऐसे छोड़ दो, म्यू नॉट आई बाय टू पाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक कॉस साइन कंपोनेंट होगा जो कि आई कैप के होगा साइन थीटा और इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो माइनस जे कैप के होगा बड़े क्लोज ऑप्शन है इसलिए ध्यान से करना होगा आपको, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा हो जाता ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं क्या आपने छोड़ा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई कर लो।
अरे बेटा कुछ आंसर, हाँ कुछ आंसर निकाला था आपने, लेट मी चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा ऐसे, दोनों आंसर अलग लगाने। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर, चेक करते हैं एक दो आंसर आए हैं, आप वेरीफाई कर लेना। देखो मैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, इसमें आपने यहाँ पे फील्ड निकाला, यहाँ के बजाय आपको जो निकालना है वो आगे निकालना है। प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम ये तो होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, आपको होता है म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर इंटू वन प्लस साइन बीटा की जगह पे वन माइनस साइन बीटा, है ना। अगर आपको यहाँ पे निकालना होता तो वन प्लस साइन बीटा होता था, है ना, लेकिन आपको बाद में निकालना है तो वन माइनस साइन बीटा। ये फॉर्मूला ने बताया कि सेमी इनफाइनाइट वायर ही तो है, लाइक सेमी इनफाइनाइट वायर को आपने इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दिया, अगर मुझे आगे निकालना है तो ये फॉर्मूला हम वैलेंस पुट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मी नॉट करंट तो आई है 4 पाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो बी का cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका d sin अल्फा इनटू 1 माइनस sin बीटा, बीटा ये एंगल तो होता है ना, परपेंडिकुलर से वायर को एंड को जॉइन करने वाला लाइन बीच का एंगल, तो 1 माइनस आपका यहां पे जाएगा sin 90 माइनस मैं cos अल्फा, हां। और इसके बाद की ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हम इसको अल्फा बाई टू के फॉर्म में कैसे लाएं, इस पूरी चीज को हम किसके फॉर्म में ला सकते हैं, इसके आपके अल्फा बाई टू के फॉर्म में, यहाँ से आपका आएगा मी नॉट आई बाई फोर पाई डी, तो आप बाहर ले लो, है ना, और ये आपको आएगा वन माइनस कॉस अल्फा, तो वन माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं इसके आपका वन स्क्वायर, है ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई, सही है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा मी नॉट आई बाई फोर पाई डी, वन वन कैंसिल, साइन अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन अल्फा, टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे ड्रॉ करके, क्या सॉरी वन माइनस टू होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, वन माइनस क्या होता है आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे टू बच गया, टू टू कैंसिल हो गए, टेन अल्फा बाई टू आ गया, हाँ लेकिन अभी भी इसमें सॉल्व नहीं हुआ है, एक जगह भी हमने मिस्टेक की, अभी तो हमने एक ही वैल्यू वैसे निकाला तो पूरे पर पूछे मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू टू, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, इसकी वजह से बाहर होगा, पूरा टू से मल्टीप्लाई होगा, हाँ यहाँ पूरा टू से क्या होगा सकते आपका मल्टीप्लाई, हाँ अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा मे नॉट आई बाई टू पाई इंटू टेन,
तो सर देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ कैलकुलेशन में देख लेना कहीं पे मैंने अगर मिस्टेक किया है उसको देख लेना है ना। तो अल्फा बाई टू के फॉर्म में लाके के की जगह पे मे नॉट आई बाई टू पाई डी आ ना, जो उसने के दिया हुआ था के की जगह पे आ जगह पे ऑप्शन लोगों के ऑप्शन सही करें। जहां पहले निकालना है तो अलग फॉर्मूला, वहां साइन प्लस यूज होगा है ना, और जब बाद में निकालना है तो माइनस साइन यूज, और अल्फा बाई टू के फॉर्म में हम लिया। चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कुछ आंसर आया मेरे पास। जीजे रहमान, अच्छा ऐसा होगा, लेट मी चेक, दो आंसर आपने भेज दिए ना। अच्छा वो कौन से भेजे थे, वो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर थे, ठीक।
चलो चेक करता हूँ, चेक चेक करता हूँ मैं, है ना, इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ। तो क्या है, इसको सॉल्व करोगे आप ना, तो पहले तो जब ये इनफिनिटी लॉन्ग वायर करेंगे ना ऐसे डाउनवर्ड पीस के, उसकी वजह से करंट होगी, है ना। पहले तो वो करंट निकाल दो, ये करंट सपोज आई, अगर ये आई करंट है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका फॉर्मूला आप देख लोगे मे नॉट आई बाई टू पाई आर, इसमें आपको देर नहीं करना है। जब भी चार्ज इस तरफ मूव करेगा ऐसे, तो इसकी वजह से कुछ करंट होगी ना, रेट ऑफ फ्लो चार्ज तो होता है, वो करंट अगर आई आपने ले लिया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट लाइन की वजह से मेरा टाइम बाय 2 पाई आ रहा है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये वी प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब एंगल दोनों के बीच में 90 है ना, तो जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्यू ई पी हो जाएगी, जो ये निकालने के लिए होगा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू ई पी, डायरेक्शन हो जाएगा अवे, ये अनलाइक हो गया ना, तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और बी क्रॉस बी से फोर्स इसके ऊपर बाहर निकल रहा है, तो ये बाहर जाएगा, लेकिन आपको तो फोर्स से मैग्नेटो निकालना, तो क्यू बी हो गई है ना, ये आपका हो गया क्यू बी बी। अब इसमें थोड़ा सा जानना, आप इसमें क्यू इंटू बी तो ऐसे छोड़ दो, आप बी को क्या लिखो, बी जो होगा वो अभी आपने निकाला है मे नॉट आई बाई टू पाई, और करंट डी क्यू बाई डी टी होता है, करंट क्या होता है जैसे आपका डी क्यू बाई डी टी, तो आप लिख दोगे यहाँ पे मे नॉट क्यू वी बाई टू पाई आर को, तो एकदम अलग कर। अब इससे इस क्वेश्चन को मतलब आई की जगह पे हम लिख देंगे डी क्यू आई, हाँ आई जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, और मैं इसका एक एलिमेंट चूज कर लूंगा, मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं डी एक्स ले लूंगा, तो इस पे जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, तो डी क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू डी एक्स कर दो, इसमें हम डी क्यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आपका लैम्डा इंटू डी एक्स, यहां से आपका आ गया म्यू नॉट क्यू वी बाई टू पाई इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स बाई डी, पर आपको डी एक्स बाई डी भी क्या होगा, वेलोसिटी तो होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो डी एक्स बाई डी इटसेल्फ क्या बनेगा सके आपका वी आर, तो यहां से आपका अल्टीमेटली जो आंसर आ गया ये आपका आ गया म्यू नॉट क्यू लैम्डा वी स्क्वायर बाई टू पाई, भाई ये इसका आंसर आ गया, लेकिन क्या ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ना, ये हाँ प्रणाम कुमार झा आपका आंसर सही है ना, क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ, लेट मी रिकॉल दिस क्वेश्चन, है ना, फिर से अगर क्वेश्चन में रिकॉल करूँ तो ये क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वो देखते हैं, है ना, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है फिर तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो जिस फॉर्म में दिया हुआ उस फॉर्म में निकालेंगे, है ना, तो ऑप्शन में क्या दिया वो देख लेते हैं, हाँ ये क्वेश्चन था आपका, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, हाँ सही तो है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ये तो ऑप्शन में आपका। अगर देखना टेबल एप्सिलॉन नॉट टर्म और सी के लॉस में कैसे आएगा, स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली ये होती है 1/√ ऑफ मी नॉट इनटू एप्सिलॉन, तो कई बार सी के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है, आप यहाँ लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√ इनटू एप्सिलॉन, यहाँ से मी नॉट की वैल्यू कई बार हम ये पुट कर सकते हैं, दैट इज द 1/c² इनटू एप्सिलॉन, कई बार ये भी यूज कर सकते हैं, राइट, द स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू ये होती है, तो इसको कई बार मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा, कैसे निकाल रहा हूँ कि आपको है, ठीक है, हमने आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका कंप्लीट किया, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना, नेक्स्ट वीक में
आपके मॉड्यूल में सेम में ही दिया हुआ है, मेरे हिसाब से चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें कि अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज। इट विल नॉट टेक मोर देन वन आवर टू वन हाफ आवर, द नेक्स्ट वीक वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विल स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, EMI एंड AC, उसके बाद एक मेजर पोर्शन होगा, फिर आपका काफी एनसीईआरटी 1 खत्म होगा। इसके बाद एक चैप्टर दो चैप्टर और है, उसके बाद एनसीईआरटी 1 will move to the answer. That is all for today. Bye-bye.